इंडिया आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। कोरोना एक बार फिर से आया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि देश में रोजाना कोरोना के मामले एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटों की हम बात करें तो 24 घंटों में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 3377 नए मामले आए हैं। 27 अप्रैल को 3303 मामले सामने आए थे, तो लगातार दो दिनों से 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 2496 लोग कोरोना वायरस से मुक्त हुए हैं और 60 लोगों की जान चली गई है। देश में कुल 17801 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में सक्रिय मामलों की अगर हम बात करें तो यहाँ 5250 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में तेजी के साथ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स बेहद परेशान हैं, क्योंकि स्कूल अब पूरी तरह से खुल चुके हैं। कई ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे जाते हैं, प्ले स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं। तो दोनों डॉक्टर मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुमित महाराज मेडिकल सुपरिटेंडेंट है आरएमसी अस्पताल में और डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी है एनटी स्पेशलिस्ट है। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुमित आपसे, डॉक्टर सुमित कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, आशंका है कि चौथी लहर जून में आ सकती है, मासूम बच्चों के स्कूल अभी हाल फिलहाल में रेगुलर हुए हैं, ऐसे में क्या अब वक्त आ गया है कि स्कूल बंद कर दिया जाए? नहीं, स्कूल बंद करना एक बेहतर ऑप्शन, उसके लिए बेहतर ये होगा प्रिकॉशंस, कोविड बिहेवियर अपनाएं। छोटे बच्चों को जिनको 7 इयर्स के वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है, वैक्सीनेट कराएं उन्हें, साथ में बच्चों को मास्क पहना के पेरेंट्स भेजें स्कूल में। एक फॉर्मूला ये ऑड इवन कर सकते हैं कि एक ऑड नंबर वालों को अलग दिन बुलाएं, जिससे बच्चों की कैपेसिटी क्लासरूम में कम होगी, जिससे कि कंजेशन क्लासेस में नहीं होंगे, तो गैदरिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, ये किया जा सकता है। स्कूल बंद करना इज नॉट ए गुड, मतलब स्कूल बंद करना कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो कोरोना का इफेक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी तो होती है लेकिन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कर जाती है। कई बार हमने दूसरी लहर में, तीसरी लहर में देखा कई मासूम बच्चे हैं जो कोरोना की जद में आए, ऐसे में उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है, स्कूलों में उतनी देखभाल नहीं होती। देखिए मासूम बच्चे अगर आप समझाना भी चाहेंगे तो समझ तो जाएंगे, लेकिन खेल खेलने में भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, मास्क लगाना क्या होता है, हाथों को बार बार धोना क्या होता है। नहीं, आज के बच्चे इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं, अगर आप देख लें बहुत छोटे की अगर बात हम करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्लास थर्ड ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं वो उनको अगर आप समझाएं तो वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, और ये हम लोग अपनी सोसाइटी में देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं फॉलो करते। हाँ, थोड़ा सा स्कूल को भी इस पर फोकस करना होगा और क्लास टीचर्स को, स्कूल स्टाफ को भी इस पर ध्यान देना होगा कि गैदरिंग ना होने दें, और स्कूल बंद करने से फिर उनकी पढ़ाई फिर हैम्पर होगी। सारी पढ़ाइयाँ वे में चल रही थी तो डिजिटल वे में पढ़ाई होने से बच्चों को नुकसान तो हो ही रहा था, एकेडमिक कैरियर उनका गड़बड़ हो रहा था, चाहे वो बड़े बच्चों, तो उसके लिए हमें कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, जैसे स्कूल को फोकस करना होगा, कुछ बच्चों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसके लिए स्ट्रिक्टली थोड़ा फॉलो कराना होगा स्कूल में, और उसके अलावा जो 7 to above बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन से हमें बहुत इफेक्ट मिला, फायदा मिला, क्योंकि वैक्सीनेशन के इफेक्ट से ही लास्ट वेव में हमारे यहाँ कैजुअलिटीज कम हुई और सीवियरिटी ज्यादा नहीं हुई, तो वैक्सीनेशन इज अ बेस्ट ऑप्शन, और उसके अलावा स्कूल में थोड़ा सा केयर करें, ये करना होगा तभी, क्योंकि स्कूल बंद कर देंगे तो फिर आगे दिक्कतें आएंगी। डॉक्टर त्यागी साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? डॉक्टर त्यागी साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर सुमित आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर हमने देखा है, चाहे वो पहली वेव हो, चाहे वो सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, और अब चौथी वेव को लेकर आशंका लगातार बनी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब जब पहली बार कोरोना आया था तो लोगों को नहीं पता था कि कोरोना क्या होता है, पूर्णतः लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो लोग डरे, तीसरी लहर आई तो पहले से ही डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब चौथी लहर को लेकर डर बना हुआ है, तो क्या हमें डरने की ज़रूरत है? हम ये मान लें कि चौथी लहर आ सकती है, बेहद खतरनाक हो सकती है, आने की संभावना है, चौथी लहर के आने की संभावना है, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड में है नंबर ऑफ केसेस,
लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम भी जब थर आई थी तब भी मैं आपके चैनल पे आया था, उस समय भी मैंने कहा था कि डरने की आवश्यकता नहीं, हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। डर से पैनिक क्रिएट होगा और पैनिक की वजह से हम लोगों ने देखा है कि सेकेंड वेव में क्या स्थिति आई थी। चीजें होते हुए भी वो ऐसा पैनिक हो गया कि सारी चीजों की शॉर्टेज लगने लगी, लोग पैनिक में इधर से उधर भागने लगे। तो पैनिक नहीं होने, अलर्ट रहना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए हमें अपने लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना, उसके हिसाब से किसी गैदरिंग वाली जगह में जाने से बचना है। थोड़े से लोग लापरवाह हो गए, अभी ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं। हम लोग हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी में बैठे हैं, अभी भी तो सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम अभी से सावधान रहते हैं तो हम चौथी वेव को रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, सावधान अभी हम रोक सकते हैं, इसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत, बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जो प्ले स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उनका ख्याल कैसे रखा जाए? उनके लिए तो बेहतर होगा कि उनको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए, क्योंकि उतने छोटे ना अपना केयर कर पाएंगे ना स्कूल उनका पूरी तरह से केयर कर पाएगा, क्योंकि अगर 15-20 बच्चे भी हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। इसलिए उतने छोटे बच्चों को तो कर पाएंगे, अभी उनकी वैक्सीन भी नहीं आई है। और अगर माइल्ड फॉर्म में भी जो अभी जो जो नए वेरियंट हो रहे हैं, जो ओमाइक्रॉन का नया वेरियंट है B1.2F, वो भी अभी माइल्ड फॉर्म में ही अगर हो रहा है, लेकिन उसकी सिवेरिटी क्या होगी इन फ्यूचर ये कोई नहीं जानता, इसका डेटा भी अवेलेबल है नहीं। तो इन फ्यूचर सीवियर अगर होता है तो उससे बचाव के लिए तो बेहतर है कि इतने छोटे बच्चों को तो घर पे ही रखा जाए। प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए ताकि कोरोना उन्हें ना हो, कोरोना उन्हें छू ना पाए, पहले से पहले ही हम तैयारी करें, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हो सकते हैं? सोशल गैदरिंग से ज्यादा जान लोगों से या ऐसी जगह में जहां पे बीमार के होने गैदरिंग हो सकती है, क्लोज्ड प्लेसेस हो उनमें जाने से बचना, ठीक है, डाइट प्रॉपर लेना। डॉक्टर त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर त्यागी साहब, लगातार कोरोना को लेकर आपसे बातचीत होती रहती है, अब एक बार फिर से चौथी लहर को लेकर काफी ज्यादा बस बना हुआ है कि चौथी लहर आ सकती है, बेहद खतरनाक हो सकती है, बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, क्या जो दूसरी लहर आई थी वही रूप चौथी लहर में देखा जा सकता है, या ओमिक्रॉन की तरह इस बार जो मामले हैं कोरोना के वो लाइट रहने वाले हैं? जी, ये माना जा रहा है कि चौथी लहर ने दस्तक दे दी है और ये जो वेरिएंट है ये XE वेरिएंट है, क्योंकि जीनोम स्टडी ज्यादा नहीं हो रही है और ये BA.1 और BA.2 का मिक्सचर है। एक्चुअल में इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो नाक का बहना, जैसे सर्दी जुखाम, गला खराब होना, बुखार होना, पेट दर्द और दस्त लगना, ये इसकी कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोविड जो वायरस है उसकी थक्का बनाने की आदत होती है और जब अगर बच्चे को किसी को दस्त लगेंगे तो वो डिहाइड्रेशन में जाएगा, उससे भी थक्का बनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये इस स्ट्रेन का थोड़ा सा खतरा है। अभी तक जितनी भी स्टडीज आ रही हैं वो फेफड़ों तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, सपोज बच्चे को कैंसर है या बड़ों को कैंसर है या उनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज प्रॉब्लम है, तो उसको ये पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकता है, ये उसके साथ साथ थक्का भी बना सकता है, कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। मेरी सलाह ये होगी स्कूल के मामले में कि क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी 5 से 12 साल के बच्चों के बीच के लिए वैक्सीन स्टार्ट करवाया है, वैक्सीन लगा नहीं है, अभी अलाउ किया है, तो 5 से 12 साल तक के बच्चे मेरे हिसाब से स्कूल ना जाएं, और 12 साल से 18 साल के बच्चों को क्योंकि वैक्सीन लग चुका है तो वो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 5 से 12 साल बच्चे तक हैं, जैसे कि प्ले स्कूल के बच्चे हो गए, उनके लिए स्कूल बंद हो जाना चाहिए, ऑनलाइन उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, और जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी होगी, पूरी गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी है। सेम हमें
स्कूल अथॉरिटीज को बताना है कि उनकी सोशल डिस्टेंस बस में होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस क्लासरूम में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सब सैनिटाइजर जो भी स्कूल में होना चाहिए, सारे कोविड प्रोटोकॉल स्कूल को मानना है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मानना है, पेरेंट्स को मानना है और बच्चों को मानना है। तो अगर 12 साल से ऊपर हैं बच्चे तो स्कूल जा सकते हैं, ये मेरी पर्सनल राय है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को थोप रहा हूँ, ये बात आपके माध्यम से अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगे कि पिछले 24 घंटों में 3,377 मामले सामने आए हैं और कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं कि 2,500-3,000 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत कम हो गए थे अगर अब से मैं 2 महीने पहले की बात करूं। लेकिन अगर मैं नोएडा, गाजियाबाद की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो यहाँ स्कूलों में मामले सामने आए हैं तब से पेरेंट्स और ज्यादा डर गए हैं, लेकिन पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इस वजह से मजबूरन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो क्या हम मान लें कि अब चौथी लहर आ रही है, क्या जून में या मई में इसका पीक जो है वो हो सकता है? इसका पीक जो हमें देखने को मिलेगा वो टेंटेटिव 20 मई के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें मेन ये है कि ये सेकंड वेव के जितना खतरनाक नहीं है जो अभी तक स्टडी जा रही हैं। ध्यान में देने वाली बात ये है कि जो डेल्टा वायरस था वो हमारे फेफड़ों में जाके सांस की परेशानी पैदा करता था, और फेफड़ों में परेशानी भी थक्का बनने से होती थी। तो इसकी जो एक करैक्टरिस्टिक है कि ये थक्का बनाता है, वो अब सिर्फ अगर किसी को दस्त लगेंगे या उल्टी होगी तो उसमें तो वो इंक्रीज हो सकता है थक्का बनना, अदरवाइज जिसकी फेफड़ों में जाने की संभावना कम है और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के ही फेफड़े में जा सकता है। ये हमें समझना होगा कि हमें सावधानी बरतनी है, अगर हम सावधानी अभी से बरतते हैं तो हम चौथी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे और पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर सुमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुमित, अभी जैसा कि डॉक्टर त्यागी ने कहा कि जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जो प्ले स्कूल हैं, वो तो बंद ही हो जाने चाहिए, लेकिन हमें सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी है। अभी उन्होंने पीक बताया कि हो सकता है कि 20 मई के बाद जो है मामले ज़्यादा आए, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि डेल्टा वेरिएंट जितना ही खतरनाक नहीं हो सकता है। अब इससे पहले ओमिक्रॉन आया था, ओमिक्रॉन भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन अब जो चौथी लहर आ रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है और हमें कितना उससे सावधान रहने की ज़रूरत है? सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो बुजुर्ग हैं, जो व्यस्क हैं, जो नौजवान हैं, वो किस तरह से इससे बचकर रह सकते हैं? क्योंकि मास्क कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि अनिवार्य तो किया गया है जब से मामले बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, ट्रैवलिंग जो है वो बिना मास्क लगाए ही करते हैं, तो ऐसे में स्प्रेड ज़्यादा होगा। जी, स्प्रेड चांसेस हैं। देखिए, जो डेटा तक मिल रहा है और जो ट्रेंड दिख रहा है उसके लिए डॉक्टर त्यागी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि मई के एंड तक हमें पीक मिल सकता है और संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना एकदम बंद कर दिया है। लोगों को आज भी मास्क के लिए अगर कहना पड़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हम 3 लहरें देख चुके हैं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ रहे तो दिक्कत है। सैनिटाइजर का उपयोग लोगों ने बंद कर रखा है, किसी भी आप पब्लिक प्लेस में जाइए जहाँ पे गैदरिंग हो सकती है या क्लोज वेसिनिटी वाले प्लेसेस, मॉल हुए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हुए, वहाँ पे टेम्परेचर की चेकिंग बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बार बार इसके लिए कह रही है, लेकिन फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में भी प्रिकॉशन डोज लेना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके बुजुर्गों को और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हों, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उन्हें लेना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी लोग बहुत तेज़ी से आगे नहीं आ रहे हैं। सेकेंड डोज लेने के बाद बहुत लोग घर पर बैठ गए, नहीं आ रहे। तो ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ही भयावह स्थिति से बच पाएंगे। लेकिन अभी तक ये जो ओमाइक्रॉन का जो नया वेरिएंट है या एक्सी वेरिएंट है, इनका जो भी डेटा अभी तक मिला है उसमें ये माइल्ड फॉर्म में ही हर जगह मिला है, तो बहुत पैनिक होने की नहीं जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल त्यागी साहब से। डॉक्टर त्यागी, हमें
क्या वो चीजें खानी है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी बहुत ज्यादा, इस बार गर्मी बहुत जल्दी आ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे में डिहाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अलावा और भी तमाम जो परेशानियां वो हो जाती है, ऊपर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अपना ख्याल कैसे रखें, किस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रखें, स्वस्थ रखें, आपके सवाल आपसे। एक फॉर्मूला है अपने हाइड्रेशन के लिए, बॉडी के हाइड्रेशन के लिए, अगर मेरा वेट 60 किलो है तो उसको आधा करना है 30 हो जाएगा, और उसको 10 से भाग करना है 3 हो जाएगा। तो 60 किलो का अगर आदमी है या औरत है या बच्चा है तो उसको 3 लीटर पानी पीना ही है। अगर उसको कोई गुर्दे की बीमारी है या कोई हार्ट की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर ने ज़्यादा पानी पीने को मना किया है, उनको छोड़ के उनको मिनिमम ये क्राइटेरिया जो मैंने फॉर्मूला बताया है इसको फॉलो करना है, और ज्यादा अगर पी लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके ऊपर उनको हरी सब्जियां जैसे ककड़ी है, सलाद है, खीरा है, और ये खरबूजा है, तरबूज है, ये भी जो खरबूजा है डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना है। और अगर वो अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, बाहर निकलने से पहले सूती कपड़े पहनेंगे जो कि ढीले होंगे और पूरे शरीर को कवर करके निकलेंगे, तो ये जो हीट वेव और हीट स्ट्रोक की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर ये कोविड में भी हम मेंटेन करते हैं, हाइड्रेशन अगर हम प्रॉपर रखते हैं, तो इसका जो थक्का बनने वाली प्रॉब्लम है उससे हम जूझ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसे कि अभी दो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि चौथी लहर जो है वो 20 मई के बाद आ जाए, लेकिन अभी से ही हमें पूरी तैयारी करनी है, सावधान रहने की ज़रूरत है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं, ऐसे में जो बच्चे हैं वो कई बार होता है कि ध्यान नहीं रख पाते अपना, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने बच्चों का, साथ ही साथ स्कूल जो प्रशासन है उसे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें पालन करना होगा, ताकि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएं। और तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम लगातार डॉक्टर से जानकारी लेते रहते हैं कि किस तरह की तैयारी हमें रखनी है, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे तमाम मुद्दों के साथ, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के।